कैसे हैं आप सब लोग। प्रेपाइज पर आपका स्वागत है। हम लोग आपके साथ एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं और पॉलिटी की क्लास 11th की थ्योरी जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। 3 चैप्टर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट्स बहुत सारे हैं। आप में से कईयों ने बहुत पॉजिटिव कॉमेंट्स लिखे हैं जिससे बहुत मोटिवेशन मिलता है टू कीप डूइंग गुड। सो इफ यू रियली लाइक द कॉन्टेंट दैट वी आर प्रोवाइडिंग हियर, डू लाइक द चैनल, डू सब्सक्राइब, डू लाइक द वीडियोज दैट वी आर शेयरिंग, और आपके फ्रेंड्स जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी ये वीडियो शेयर करिए। एनसीईआरटी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे फॉर्म द बेस फॉर योर प्रेपरेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर 4 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, सोशल जस्टिस। अगेन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, एक एक करके इसको समझते हैं। इस चैप्टर में देखिए बेसिकली सबसे पहले हम जस्टिस से रिगार्डिंग जो भी आइडियाज हैं उनको डिस्कस करेंगे। देन हम डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के बारे में बात करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के आस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे। एंड एक हम जॉन रॉल्स की थ्योरी भी यहाँ पर पढ़ेंगे। जॉन रॉल्स का क्या आइडिया था जस्टिस का, उसको भी एक बार डिस्कस करेंगे। अगेन प्रिलिम्स में भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ ये आपको हेल्प करेगा। आपको ऐसे लिखने में, आंसर राइटिंग में, सब जगह ये टॉपिक्स हेल्प करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखिए, टू बिगिन विथ, एनसीईआरटी आपसे सवाल करती है कि जस्टिस है क्या, एंड देन एक ब्रेकडाउन के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को समझाया गया है। अगर हम एंशियंट इंडियन सोसाइटी में चले जाएं तो वहाँ कॉन्सेप्ट चलता था धर्मा का, जिसका सिंपल मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय धर्मा हियर? सिंपल धर्मा वुड मीन दैट एवरी वन इज डूइंग देयर ड्यूटी। तो वहाँ पर जस्टिस का एसोसिएशन किसके किसके साथ था? ड्यूटी के साथ। आपको एक सोशल ऑर्डर में जो ड्यूटी असाइन है, अगर आप सोल्जर हैं तो आपको डिफेंस करनी है, रक्षा करनी है देश की। इफ़ यू आर समबडी हु इज हेल्पिंग इन क्लीनिंग तो आपको क्लीन अच्छे से करना है। द आइडिया वॉज ऑफ धर्मा देयर वॉज टू परफॉर्म ड्यूटी, और ये किंग्स की ड्यूटी थी ये इंश्योर करना कि धर्मा हमेशा मेंटेन रहे। चाइना में अगर आप चले जाएं तो कन्फ्यूशियस की जो फिलॉसफी थी वो ये थी कि किंग को जो है हमेशा जस्टिस करना चाहिए। कैसे, क्या है ये जस्टिस? जो गलत कर रहा है उसे पनिशमेंट दो और जो सही कर रहा है उसे रिवॉर्ड दो। सिंपल एस्पेक्ट, इफ समबडी इज डूइंग रॉन्ग पनिश, इफ समबडी इज डूइंग गुड रिवॉर्ड। अगर आप एथेंस में आ जाए, प्लेटो के पूरे आइडिया को डिस्कस करें तो उनके खुद के स्टूडेंट्स, खुद के गुरु सोक्रेट्स के आइडिया को उन्होंने प्रेजेंट करा इन हिज बुक द रिपब्लिक। तो प्लेटो की जब आप किताब पढ़ते हैं द रिपब्लिक, तो वहाँ वो एक डायलॉग के थ्रू जस्टिस के आइडिया को समझाते हैं। किसके बीच में डायलॉग चल रहा था? उनके गुरु सोक्रेट्स और उनके यंग फ्रेंड्स ग्लॉकॉन एंडीमिटस के बीच में। तो एक डायलॉग के फॉर्म में डिस्कशन चल रहा है, जहाँ ये लोग सोक्रेट्स से पूछते हैं कि एक बात बताइए, हमें तो ऐसा लगता है कि आजकल जो अनजस्ट लोग हैं वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो अपने तरह से काम कर सकते हैं, वो चाहे तो टैक्सेस देते हैं, नहीं देते हैं, चोरी चकारी करते हैं, बट दे सीम टू बी रिवॉर्डेड मोर। तो क्या ये ज़्यादा स्मार्टनेस नहीं होगी अगर हम अनजस्ट रहें और इनजस्टिस के पाथ पे चलें? बस हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि हम पकड़े ना जाएं, सो वी वुड बी इन अ बेटर पोजिशन। तो सोक्रेट्स उन्हें समझाते हैं कि ऐसा नहीं है। अगर इमेजिन करो सब लोग अनजस्ट हो जाएंगे और रूल्स को अपने फेवर में मैनिपुलेट करने लगेंगे, तो कभी भी सोसाइटी में जस्टिस नहीं आ पाएगा। इनफैक्ट बहुत सारा क्योस और इनजस्टिस आपको हर तरफ नजर आएगा। कोई सिक्योरिटी नहीं होगी, एवरीबडी वुड बी यू नो यू वुड बी लुकिंग एट एवरीबडी विद सस्पिशन, राइट? इसीलिए सोक्रेट्स क्लियरली हमें बताते हैं कि अगर आपको लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट का सोचना है, इफ यू हैव टू थिंक ऑफ लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, या आपको दूर की देखनी है, तो आपको हमेशा लॉ और जस्टिस के साथ रहना पड़ेगा। उन्होंने ये समझाया कि जस्टिस का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छे रहें और दुश्मनों को पनिश करें, या दुश्मनों को जो है अपनी तरह से हैंडल करें और अपने बारे में सोचें। जस्टिस एक्चुअली तब आता है जब आप सबके भले के बारे में सोचते हैं, when you think about the well-being of everybody। इस बात को ध्यान रखिएगा, जब ये चैप्टर एंड होगा तो हम इसको कनेक्ट करेंगे। सोक्रेट्स का इस डायलॉग का क्या कंक्लूजन था कि जस्टिस तब मिलता है जब हम सबकी वेलबींग के बारे में सोचते हैं, और यही एक गवर्नमेंट की भी ड्यूटी है। एक गवर्नमेंट को हम जस्ट गवर्नमेंट तभी बोल पाएंगे जब वो सबके वेलबींग के बारे में सोचेगी और ये इंश्योर करेगी कि सबका वेलबींग हो। अब इसके लिए देखिए टर्म क्या यूज किया गया है, सबका वेलबींग हो, इसीलिए आपको सबको अपने ड्यूज देने पड़ेंगे। जो भी जो डिजर्व करता है वो उसे मिलना चाहिए, ये स्टेट इंश्योर करेगा। अब देखिए, आज भी हम लोग ये बात मानते हैं दैट एवरीबडी शुड गेट देयर ड्यूज, बट अब हम ये एक्सप्लोर करेंगे कि ये ड्यूज है क्या, व्हाट आर दीज ड्यूज। तो अगर हम जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कैंट के बारे में बात करें, उन्होंने एक सिंपल बात कही कि हर ह्यूमन है और हर ह्यूमन की एक डिग्निटी है। इफ यू आर बॉर्न ह्यूमन
यू कम विद अ डिग्निटी, डज नॉट मैटर आप दुनिया के किसी भी देश में पैदा हुए हैं, किसी भी घर में, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, पुअर सेक्शन, यू माइट कम फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली, बट एक चीज आप सबके लिए कॉमन है, सिंस यू आर अ ह्यूमन बीइंग यू हैव अ सर्टन काइंड ऑफ डिग्निटी. नाउ सिंस यू हैव अ सर्टन काइंड ऑफ डिग्निटी बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग अ ह्यूमन, आपके कुछ ड्यूज हो जाते हैं. जस्ट बिकॉज यू आर बॉर्न अ ह्यूमन, आपके कुछ ड्यूज हो जाते हैं और वो ड्यूज आपको मिलने चाहिए. होना क्या चाहिए, हर एक के पास ये अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो अपने टैलेंट्स को डेवलप करें और अपने गोल्स को परस्यू करें. तो क्या आप सबको इक्वल कंसिडरेशन दे रहे हैं सोसाइटी में? यू माइट बी बॉर्न इन टू एनी फैमिली बट डू यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू रेज योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग? डू यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू रीच दैट स्टेज वेयर यू आर द बेस्ट? इफ येस, देन आप कह सकते हैं कि आपने एक जस्ट सोसाइटी क्रिएट कर ली है. अब देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के तीन एस्पेक्ट्स हम लोग डिस्कस करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस हम लोग डिस्कस करेंगे. सबसे पहला, इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स. ये बहुत ही आसान है समझने में. इफ 1, 2, 3 पीपल आर इक्वल, लास्ट में मैं आपको एक एग्जांपल से भी समझाऊंगी तीनों एस्पेक्ट्स, तो आप उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट करें. अभी अभी आपने कहा दैट एवरीबडी इज बॉर्न ह्यूमन, एंड सिंस यू आर बॉर्न ह्यूमन, ह्यूमैनिटी के या ह्यूमन होने के एस्पेक्ट में तो आप सब बराबर हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है आपके बीच में. तो आपको कुछ राइट्स ऐसे होने चाहिए जो सबको मिले, कुछ ट्रीटमेंट ऐसे होने चाहिए जो सबके साथ कॉमन हो. इसीलिए आप देखते हो राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, पॉलिटिकल राइट्स लाइक राइट टू वोट, इन सब में कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन ना होना चाहिए, ये मॉडर्न सोसाइटीज एक्सेप्ट करती है. इसलिए राइट टू वोट में कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, राइट टू लाइफ में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इन द सेंस कि आप अगर एक पर्टिकुलर सेक्शन को बिलोंग करेंगे तभी आपको राइट टू लाइफ मिलेगा. कहने का मतलब यह है, सिंस यू आर बॉर्न एज अ ह्यूमन, यू कम विद सर्टन सिविल राइट्स, यू कम विद सर्टन अमाउंट ऑफ सिविल राइट्स जो किसी भी हालत में प्रोटेक्ट होने चाहिए अगर आप एक इक्वल सोसाइटी बनाना चाहते हैं. दूसरी बात, एवरीबडी शुड हैव द इक्वल अपॉर्चुनिटी. अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी बहुत जरूरी है. आप कैसे भी किसी भी सिचुएशन में पैदा हुए हैं, बट डू यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू मूव अबव दैट? सो वॉट इज इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स? जो इक्वल्स हैं उनके बीच में समान व्यवहार होना चाहिए, यानी कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए आर्टिफिशियल ग्राउंड्स पे, वो ग्राउंड्स जो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करते नेचुरली. तो आपकी कास्ट के बेसिस पे, आपकी क्रीड के बेसिस पे, आपके रेस के बेसिस पे, आपके जेंडर के बेसिस पे, इन बेसिस पे आपको कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता, बिकॉज ये पहला प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस है, इक्वल्स मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली. आपको जजमेंट किस बेस पे होना चाहिए, आप कैसा काम कर रहे हैं, आपके एक्शंस कैसे हैं, नॉट ऑन द बेसिस कि आप कौन से घर में पैदा हुए हैं या आप कौन से सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, कौन से कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं. नाउ टेक फॉर एग्जांपल, लेट्स से देयर आर टू पीपल हु आर डिलीवरिंग पिज्जास, वन बिलोंग्स टू एक्स वाई जेड कास्ट एंड सेकेंड बिलोंग्स टू एबीसी कास्ट. दोनों को सेम ट्रीटमेंट मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए. ऐसा तो नहीं होगा कि उसको पिज्जा, एक को पिज्जा डिलीवरी के लिए 100 रुपीज मिलेंगे और एबीसी कम्युनिटी वाले को पिज्जा डिलीवरी के लिए 75 रुपीज मिलेंगे. ये तो गलत है. आप बिल्कुल देखकर समझ पा रहे हैं कि बोथ ऑफ देम आर इक्वल, राइट? सो ओनली ऑन द बेसिस ऑफ वन बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर कास्ट आप उनके बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते. बट लेट्स से दिस पर्सन इज बीइंग मोर काइंडर टुवर्ड्स द पीपल दैट ही इज डिलीवरिंग, और उनको वो लोग कुछ एक्स्ट्रा टिप देना चाहते हैं जिसकी वजह से इज अर्निंग मोर, और मे बी इज वेरी प्योर ड्यूटिफुल, ही हैज कम्प्लीटेड हिज टारगेट्स. तब अगर आप उनको इंसेंटिव दे रहे हैं 1,000 का, तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये तो इक्वालिटी के अगेंस्ट है, ये जस्टिस के अगेंस्ट है. ये जस्टिस है क्योंकि अभी इक्वल नहीं रह गए इस आस्पेक्ट में. सो प्लीज अंडरस्टैंड, वेन टू पीपल आर इक्वल इन अ पर्टिकुलर आस्पेक्ट, दे शुड बी ट्रीटेड इक्वली. बट यहीं से हम दूसरे पार्ट पे जाएंगे जिसको बोलते हैं प्रपोर्शनट जस्टिस. बाय द वे, अगेन एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर कोई मेल टीचर है स्कूल में, वो भी वैसे ही पढ़ा रहा है जैसा फीमेल टीचर पढ़ा रही है, राइट? तो मेल टीचर को आप ज्यादा सैलरी दे रहे हैं सिंपली बिकॉज वो तो अलग जेंडर का है. यानी आप देख रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर आप आर्टिफिशियल डिफरेंसेस के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं. आर्टिफिशियल डिफरेंसेस मैं इनको क्यों कह रही हूँ, क्योंकि एक्चुअली कास्ट डिफरेंस जैसा कुछ नहीं होता. ये कुछ नहीं होता कि मेल अच्छा पढ़ा सकता है, फीमेल नहीं पढ़ा सकती, राइट? सो ये आर्टिफिशियल डिफरेंस के बेसिस पे जब आप डिस्क्रिमिनेट करेंगे, तब आप सोशल जस्टिस के प्रिंसिपल को वायलेट कर रहे हैं, जो क्या मानता है that equals should be treated equally. Very important, ये बात याद रखिए. Next देखिए proportionate justice. But क्या हमेशा equals
इक्वली ट्रीट करने के बाद आपको सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि वो पिज्जा डिलीवरी बॉय जो ज्यादा अच्छे से काम कर रहा है, जो अपने कस्टमर्स के साथ ज्यादा पोलाइट है, हार्डवर्क कर रहा है, एक ओवर टाइम दे रहा है, क्या उनको भी उतने ही पैसे मिलने चाहिए जितने जो एक फिक्स स्केड्यूल पे काम कर रहे हैं एंड ही इज नॉट गोइंग आउट ऑफ इट्स वे? कि हमें गलत लगेगा। एनसीईआरटी ने हमें एक एग्जाम्पल और दिया है। लेट्स से आप एग्जाम स्कूल एग्जाम में बैठे हैं और टीचर ने बोला कि सबको बराबर मार्क्स मिलेंगे, ये जस्टिस है, तो आप कहेंगे नहीं, ऑब्वियसली कुछ लोग खुश भी होंगे, मैंने तो पढ़ा नहीं था और मार्क्स मिल गए, बट सम पीपल वुड बी वेरी डिसअपॉइंटेड कि मैंने तो ज़्यादा पढ़ाई करी और मुझे और इसको बराबर मार्क्स मिले हैं। तब आप यहाँ ये बात समझ सकते हैं कि हमेशा सबको बराबर ट्रीट करना एक्चुअली इनजस्टिस होना हो जाता है। वाई? यू नीड टू रिवॉर्ड पीपल इन प्रपोर्शन टू देयर एफर्ट्स, और इसे ही कहा जाता है प्रपोर्शनेट जस्टिस, जहाँ पर रिवॉर्ड किस पर डिपेंड करेगा? आपके स्केल ऑफ एफर्ट पे और आपके क्वालिटी ऑफ एफर्ट पे, आपने कितने एफर्ट्स डाले हैं और कैसे एफर्ट्स डाले हैं, इसके बेसिस पे आपका रिवॉर्ड डिसाइड होता है। क्या आपके पास हायर ऑर्डर स्किल्स हैं? ऑब्वियसली अ नासा साइंटिस्ट वुड बी अर्निंग मोर देन समबडी हु इज वर्किंग इन एन आईटी कंपनी एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। स्किल इन्वॉल्व बहुत ज्यादा है, एफर्ट इन्वॉल्व बहुत ज्यादा है। कुछ ऐसे जॉब्स होते हैं जो अपने डेंजर के साथ आते हैं, वहां पर आपकी सैलरीज ज्यादा होती हैं। तो स्केल, क्वालिटी ऑफ योर एफर्ट्स, स्किल रिक्वायर्ड, इसके प्रपोर्शन में रिवॉर्ड होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो हम उसे जस्टिस का दूसरा एस्पेक्ट मानते हैं। नाउ डोंट थिंक कि मैम ये तो फिर आप अनइक्वल ट्रीटमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर एफर्ट इक्वल नहीं है, स्केल ऑफ एफर्ट इक्वल नहीं है, क्वालिटी ऑफ एफर्ट इक्वल नहीं है, स्किल ऑफ रिक्वायर्ड इक्वल नहीं है, तो ट्रीटमेंट कैसे इक्वल्स होता है, इक्वल हो सकता है? रिमेंबर आई सेड ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली। हाँ, कभी कभी एक प्रॉब्लम आती है, हम लोग वर्थ ऑफ अ जॉब सही कैलकुलेट नहीं करते। फॉर इंस्टेंस, स्किल्ड क्राफ्टमैन को जितने पैसे मिलने चाहिए उतने नहीं मिलते। देर आर पीपल वर्किंग इन द पुलिस सर्विसेज हु कंप्लेन ऑफ वेरी लो सैलरी एंड राइटली सो, जबकि उनका जो जॉब है वो काफी रिस्की है एंड दे आर रियली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी। तो ये जो रियल वर्थ ऑफ अ जॉब निकालने की प्रॉब्लम है वो अभी भी एग्जिस्ट करती है। बट वॉट इज प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी या फिर प्रोपोर्शनल जस्टिस? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कहता है कि इक्वल्स should be treated equally, okay, but if people are putting more efforts, if people are having more skills, if people are giving more quality efforts, then they should be rewarded more than people who are just doing their jobs. So remember, पहला हमने क्या देखा, treating equals equally, second हमने क्या देखा, proportionate justice, third aspect of justice हम लोग discuss करते हैं, recognition of special needs. यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब कभी कभी ऐसा होगा, सम पीपल वुड बी बॉर्न विद सर्टन काइंड ऑफ इनइक्वालिटीज। कैसी इनइक्वालिटीज? दे माइट बी फिजिकली डिसेबल्ड, दे माइट हैव सम लर्निंग डिफिकल्टीज, दे माइट बिलोंग टू अ सोसाइटी जिसके साथ सालों से डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, या दे मे बिलोंग टू अ वेरी पुअर हाउस होल्ड। इन केसेस में इन लोगों के पास एक स्पेशल नीड होगी। स्टेट का काम है कि स्पेशल नीड को रिकॉग्नाइज करें, और जस्टिस तभी होगा जब इस स्पेशल नीड को रिकॉग्नाइज करते हुए इस नीड को फुलफिल करने के लिए किसी तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जस्टिस हो। लेट्स से देयर इज समबडी हु इज ओके, लेट्स टेक द एग्जांपल, तीनों एक साथ हम लोग समझ लेते हैं। लेट्स से देयर इज वन बॉय रोहन, देयर इज वन बॉय श्याम, एंड देयर इज वन वुमन बाय द नेम कनिका। Now, Rohan is a very has born into a very very rich family, right? Shyam is belonging to a very poor family. Kanika is very writing is likhna chahiye. So Kanika jo hai, she is born into a very middle class family, but she has a problem. As soon as she took birth, she was physically disabled. She was blind. हाइपोथेटिकल सिचुएशंस हैं, बात समझना क्या कन्वे करना चाह रहे हो। रोहन वेंट ऑन टू बिकम अ वेरी गुड डॉक्टर, राइट? श्याम वेंट ऑन टू बिकेम अ वेरी गुड साइंटिस्ट, राइट? एंड कनिका इज अ टीचर, फेयर इनफ, गुड, राइट? अब आप पहला एस्पेक्ट यहाँ पर निकालिए, दैट इज ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली। एक चीज में तीनों बराबर हैं, दे आर ह्यूमंस, राइट? दे आर बॉर्न विद सर्टेन डिग्निटी, तीनों के पास राइट टू वोट है। इस एस्पेक्ट में ऑल थ्री आर इक्वल, ऑल थ्री हैव राइट टू वोट, पहला टिक मार्क हो गया। दूसरा याद करिए, प्रोपोर्शनेट जस्टिस। नाउ श्याम इज अ साइंटिस्ट इन अ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट, ही इज गेटिंग मोर मनी
देन रोहन एंड कनिका. नाउ सम ऑफ यू माइट से कि श्याम की सैलरी रोहन और कनिका से ज़्यादा क्यों है, बट टू मी इट इज़ कम्प्लीटली ओके. प्रोपोर्शनल जस्टिस है ये, क्योंकि श्याम के एफर्ट भी ज़्यादा है रोहन और कनिका से, स्किल भी ज़्यादा है रोहन और कनिका से. तो इस केस में अगर आप स्पेशल श्याम को ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, दैट इज़ एक्चुअली यू आर फुलफिलिंग प्रोपोर्शनल जस्टिस. तीसरे पे आ जाइए, रिकॉग्नाइजिंग स्पेशल नीड्स. अब कनिका के लिए जो उनकी सोसाइटी थी ना, जो सोसाइटी में रहते हैं, उसके गार्डन में एक रैम्प लगाया गया है, सो दैट शी कैन टेक हर स्टिक एंड उसमें रैम्प्स में अलग अलग जो है ब्लाइंड फ्रेंडली बम्पर्स लगाए गए हैं विथ लाइट्स, सो दैट वो जब वहाँ से जा रही हों तो शी शुड बी एबल टू क्रॉस दैट रैम्प एंड एंटर द पार्क ईजीली. बेसिकली उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को ब्लाइंड फ्रेंडली बनाया गया है. अब रोहन और श्याम कहेंगे कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर को ब्लाइंड फ्रेंडली बनाने की क्या ज़रूरत है, इसके लिए तो हम भी जो है टैक्स देते हैं, तो उसमें आपको क्या ज़रूरत है ब्लाइंड फ्रेंडली कैंपस बनाने की. बट अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो आप स्पेशल नीड्स रिकोगनाइज नहीं कर रहे, यानी कि थर्ड आस्पेक्ट ऑफ जस्टिस को डिनाई कर रहे हैं. क्योंकि कनिका की स्पेशल नीड है जो रोहन और श्याम की नहीं है, इसीलिए उनके पार्क को ब्लाइंड फ्रेंडली बनाना इज एक्चुअली डिलीवरिंग जस्टिस. बट आप ये नहीं बोल सकते कि कनिका को, श्याम को और रोहन को, तीनों को बराबर सैलरी मिलनी चाहिए, दैट वोंट बी जस्टिस. यहाँ पर बड़ा क्रिटिकल आस्पेक्ट है, श्याम को EWS के अंडर रिजर्वेशन मिला था, वो भी सही था, तभी रोहन नहीं बोल सकता कि इनको क्यों रिजर्वेशन मिला, बिकॉज यू वर रिकॉग्नाइजिंग स्पेशल नीड्स ऑफ श्याम. तो स्पेशल नीड्स कुछ भी हो सकती हैं, दे कैन बी यू आर फिजिकली डिसेबल्ड, यू कम फ्रॉम अ पुअर बैकग्राउंड, और इन सम केसेज लाइक इंडिया इट कैन बी दैट यू बिलोंग टू अ सर्टन क्लास ऑफ सोसाइटी दैट वॉज डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट. जैसे हमारे यहाँ पर रिजर्वेशन होती है फॉर स्पेशली फॉर पीपल हु बिलोंग टू अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन द फैक्ट कि दे वर हिस्टोरिकली डिस्क्रिमिनेटेड, द स्केड्यूल कास्ट एंड द स्केड्यूल ट्राइब. अब आपको तीनों आस्पेक्ट समझ में आ गए इस एग्जाम्पल से, याद रखिएगा सबसे पहला ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली, प्रोपोर्शनल जस्टिस एंड रिकोगनाइजिंग स्पेशल नीड्स. अब अगर आप किसी की स्पेशल नीड्स को रिकोगनाइज करके स्पेशल अरेंजमेंट्स ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी या जस्टिस को वायलेट कर रहे हैं. इनफैक्ट आप थर्ड प्रिंसिपल को फुलफिल कर रहे हैं विच सेज दैट यू मस्ट रिकॉग्नाइज स्पेशल नीड्स. वाई? बिकॉज दे आर नॉट इक्वल. हाउ कैन यू ट्रीट देम इक्वली? कनिका कैन सी, श्याम एंड रोहन कैन सी. सो दिस इज ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली, बट फॉर पीपल हु हैव स्पेशल नीड्स यू हैव सर्टन स्पेशल काइंड ऑफ प्रिविलेजेस. अब दिस कैन बी डिसेबिलिटी एज आई सेड, इट कैन बी एज, इट कैन बी somebody हु डज नॉट हैव गुड एक्सेस टू एजुकेशन और हेल्थ, somebody हु माइट बिलोंग टू एज आई सेड द रिजर्व कैटेगरी इन केस ऑफ इंडिया वेयर यू नो पीपल वर डिस्क्रिमिनेटेड बिकॉज दे बिलोंग टू अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी. अब ये बोलने में बहुत अच्छा लगता है, ट्रीट इक्वल्स इक्वली, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, प्रोपोर्शनल जस्टिस, स्पेशल नीड्स, बट गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम आती है इन तीनों को साथ में लेकर चलना. Treat equals equally, at the same time provide special needs for people with special abilities, at the same time ensure proportionate justice. और इसी के बीच की हार्मनी बनाना एक गवर्नमेंट का गोल होता है. You need to balance this out, you need to put this into function. अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो you are able to create a just society. देखिए पॉलिटी में ना ये जो कॉन्सेप्ट है they are always an ongoing process. बट इसका मतलब ये नहीं कि हम इसके लिए इसको डिस्कार्ड कर दें. अगर आप मुझसे आज पूछेंगे क्या इंडिया में हमने 100% सोशल जस्टिस अचीव कर लिया है, आई डोंट थिंक एनी कंट्री वुड बी एबल टू आंसर दैट इन अफर्मेटिव, एंड वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो. बट क्या इसका मतलब ये है कि हम सोशल जस्टिस को रिकॉग्नाइज ही ना करें? बिल्कुल नहीं. वी शुड रिकॉग्नाइज एंड अप्रिशिएट सोशल जस्टिस, सिंपली बिकॉज अगर हम अप्रिशिएट ही नहीं करेंगे तो वो ऑनगोइंग प्रोसेस भी नहीं रहेगा. आई होप दिस मेड सेंस टू यू. लेट्स मूव अहेड. अब आप जब बात करते हैं कि जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए सोसाइटी में, तो क्या गवर्नमेंट का इतना काम काफ़ी होगा कि वो लॉज और पॉलिसीज बनाते ताकि डिस्क्रिमिनेशन ना हो? कि चलिए आपने अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दिया, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को हटा दिया, क्या ये काफ़ी होगा? नहीं. हियर कम्स द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट जिसका ध्यान गवर्नमेंट को रखना है, दैट इज जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अब देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि सबको समान पैसे मिल जाएंगे, सबका समान स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो जाएगा, पर अगर आपके देश में सीरियस इकोनॉमिक और सोशल इनइक्वालिटीज़ हैं, जिसका मतलब क्या है, द रिच इज़ वेरी रिच एंड द पुअर इज़ वेरी पुअर, कोई तो टू मील्स अ डे भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है एंड समबडी इज़ लिविंग इन ऑल काइंड्स ऑफ लग्जरीज, तो आपको एटलीस्ट ये इंश्योर करना पड़ेगा कि एवरीबडी हैज़ दोज बेसिक लाइफ कंडीशंस जो सर्वाइवल के ज़रूरी है. उसके साथ साथ द
पर्सन शुड हैव द अपॉर्चुनिटी टू ग्रो. अब उसके लिए आपको स्कॉलरशिप देनी पड़े, आपको उसके लिए कुछ स्पेशल स्कूल्स का अरेंजमेंट करना पड़े, यू हैव टू डू दैट एज अ गवर्नमेंट. तो ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया ताकि सोशल इक्वालिटी आ सके. जो लोअर कास्ट, द सो कॉल्ड लोअर कास्ट हैं, उनको टेम्पल्स में नहीं जाने दिया जाता था, जॉब अपॉर्चुनिटीज ओपन नहीं थी, बट नाउ ऑल दैट इज डन एंड ओवर, राइट. बट इसके साथ साथ यू हैव टू कम अप विद सर्टन पॉजिटिव मेजर्स, जैसे लैंड रिफॉर्म्स लाए गए भारत में, जैसे मैंने आपको अफर्मेटिव एक्शंस के बारे में बताया था, रिजर्वेशन की पॉलिसी आई. तो वन इज टू स्टॉप द रॉन्ग विच इज बीइंग डन एंड द अदर इज टू प्रमोट द गुड. इन दोनों को आपको साथ करना पड़ेगा, तभी आप अपने गोल्स अचीव कर पाएंगे. नाउ लेट अस कम टू द लास्ट आस्पेक्ट ऑफ दिस चैप्टर विच इज अबाउट जॉन रॉल्स की थियोरी. We'll be talking about this great philosopher जिन्होंने अपना एक आइडिया दिया as to कैसे हम एक just society create कर सकते हैं. तो देखिए, बड़ा simple सा इनका theory है, इसको समझते हैं. Let's say मैं आपको बोलूँ कि आपको एक society का निर्माण करना है, आप rules बनाएंगे, you would decide how the government will function, go ahead and do it. अब देखिए, अगर आप एक rich strata of society को belong करते हैं, तो आप इस तरीके के laws बनाएंगे ताकि आपको फ़ायदा हो. फॉर एग्जाम्पल, यू माइट से कि टैक्सेस कम कर देंगे आप बहुत, बिजनेस करना आसान कर देंगे, या अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप ऐसे लॉज बनाएंगे कि एग्जाम नहीं हो रहे, बिना एग्जाम्स के सिलेक्शंस हो रहे हैं. सो द पॉइंट इज, या अगर आप एक गरीब तबके से बिलोंग करते हैं तो आप एक ऐसे लॉ स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश करेंगे जहाँ आपको उससे फ़ायदा हो रहा है. सो द पॉइंट इज, जब हम एक आइडियल सोसाइटी की परिकल्पना करते हैं, हम उसे इमेजिन करते हैं, तो हम अपने बेनिफिट के लिए रूल्स, लॉज और पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं. हम किसके बारे में सोचते हैं? पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं. जॉन रॉल्स कहते हैं, अगर आपको सच में जस्टिस लाना है तो एक काम करिए, इमेजिन, इफ यू रियली वांट टू बी फेयर, इफ यू रियली वांट टू बी जस्ट, ऐसे इमेजिन कीजिए, एक ऐसे इमेजिनरी सिचुएशन में जाइए और सोचिए कि अगर आपको एक सोसाइटी बनानी होती और आपको नहीं पता होता कि आप कौन से ग्रुप को बिलोंग करेंगे, would you be born rich or poor, would you be belonging to a particular section of society or another, aapko kuch nahi pata, you don't know ki society mein aapki jagah kya hogi, aur ab rules banaiye. ab dekhiye yahan par kya bola, aapko imagine karna hai that you have to create a society, ek society ka aapko nirman karna hai jahan aapko nahi pata aapki kya society mein place hone wali hai. kehne ka matlab ye hai ki aapko ek ghoonghat od lena hai ignorance ka, aapko ek parda laga lena hai ignorance ka. इसको जॉन रॉल्स ने कहा व्हील ऑफ इग्नोरेंस. व्हील ऑफ इग्नोरेंस मतलब आप एक पर्दा लगा लीजिए जिस पर्दे के बाहर आपको नहीं पता कि आप अमीर पैदा होंगे, गरीब होंगे, अपर कास्ट होंगे, लोअर कास्ट होंगे, वुमन होंगे, मैन होंगे, यू डोंट नो, नाउ मेक द रूल्स. अब देखिए, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जब आपको नहीं पता कि आपकी इस पोजिशन में क्या, इस सोसाइटी में क्या पोजिशन होने वाली है, आप वर्स्ट केस सोच के चलेंगे. आप ये सोचेंगे कि यार, अगर मैं सबसे गरीब भी हुआ इस देश में तो लेट मी मेक रूल्स कि कम से कम जो पुअरेस्ट है उसको बेसिक चीज़ें तो मिल ही रही हैं. रिच मैं पैदा हो गया तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट मैं एक ऐसी सोसाइटी का निर्माण करूँ जहाँ जो लास्ट भी इंसान खड़ा है उसकी भी बेसिक ज़रूरतें पूरी हो रही, क्योंकि मुझे नहीं पता, हो सकता है मैं ही वो लास्ट इंसान हूँ. तो दिस इज़ वॉट जॉन रॉल्स से कि आपको क्या करना है, एक व्हील ऑफ इग्नोरेंस फैनना है, एंड देन यू हैव टू इमेजिन आपकी सोसाइटी कैसी दिखनी चाहिए. इससे क्या होगा, आप जो भी रूल्स बनाएंगे वो पूरी सोसाइटी के बेनिफिट के लिए होंगे. रिमेंबर, हमने क्लास की स्टार्टिंग में, इस वीडियो की स्टार्टिंग में भी यही पढ़ा था. इनफैक्ट प्लेटो सोक्रेट्स के व्यूज में भी यही था कि जस्टिस का मतलब ये है दैट इट शुड बी द वेलबींग ऑफ ऑल. क्या सबका भला हो पा रहा है? अगर नहीं हो पा रहा तो जस्टिस डिलीवर नहीं किया गया. कमिंग बैक टू जॉन रॉल्स, बट सिंस नो वन नोज हु ही वुड बी एंड वॉट इज गोइंग टू बेनिफिट हिम, ईच विल एनविसेज द फ्यूचर सोसाइटी from the point of view of the worst off. आप क्या सोचेंगे, अगर मैं सबसे बेकार पोजिशन में पैदा हुआ, सबसे मिसफॉर्चुनेट पोजिशन में पैदा हुआ, तो भी क्या मेरे पास बेसिक रिसोर्सेज होंगे या नहीं, क्या मुझे एजुकेशन मिल पाएगी, हेल्थ मिल पाएगी, क्या मेरे पास घर होगा रहने के लिए, इवन इफ आई एम नॉट द पार्ट ऑफ द अपर क्लास. बहुत ही ब्यूटिफुल थियरी, ऑफकोर्स आई नो ये इमेजिन करना बहुत डिफिकल्ट है, बट जब आप व्हील ऑफ इग्नोरेंस पहनकर इमेजिन करते हैं तो आपको पता नहीं होता आपकी पोजिशन क्या होगी, एंड दैट्स वेन यू आर जस्ट. क्यों? क्योंकि अगर आप एक एक रैशन एक बिना व्हील ऑफ इग्नोरेंस के सोचते हैं तो आप अपनी पोजीशन के फायदे के लिए सोचते हैं, वहां आपका पर्सनल बेनिफिट इन्वॉल्व हो जाता है. पर जब आप व्हील ऑफ इग्नोरेंस लगाकर सोचते हैं, आप ये सोचते हैं, अगेन यू आर थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ, बट यू आर इमेजिनिंग योर सेल्फ इन ऑल द सिचुएशंस रिगार्डलेस
of whether you would be born rich or you would be born poor. Now, इस wheel of ignorance में आप क्या सोचते हैं, अगर मेरी worst of position होगी तो मुझे क्या क्या मिल सकता है, ऐसी society का मैं निर्माण करूं, और ऐसे में justice definitely होता है. Now if you look at it, यहाँ पर ना कोई moral question नहीं है कि सबका भला करो, be good to everybody, redistribute your income. यहाँ पर एक बहुत ही rational decision लिया है आपने. Why? Because यहाँ पर आप perspective सारे खुले रख रहे हैं. You are imagining yourself as the worst off, then you also thinking maybe I can be born rich. Now इससे आप क्या ensure करते हैं कि जो policies बनाई जाएंगी उससे सबको फायदा होगा. As a society, it would benefit everybody living in that society. Now, what is the point? This fairness is actually rational action. आप rationality से ही तो ये फैसला ले रहे हैं. Why? Because you are thinking, you are using your brains and then coming to a conclusion. यहाँ पर कोई generosity की बात नहीं है, आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं. You are creating a society where everybody is getting benefited because you don't know if you will be born in that society, तो आपकी position वहाँ पर क्या होगी. रिमेंबर जॉन रॉल्स की थ्योरी मोरालिटी की थ्योरी नहीं है, इट इज बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ रैशनैलिटी. व्हील ऑफ इग्नोरेंस पे क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा. द पॉइंट इज लेट अस बी फेयर, लेट अस जज थिंग्स इम्पार्शियली. जब आप इम्पार्शियली पूरी सिचुएशन को माइक्रो और मैक्रो लेवल पर एनालाइज करते हैं तब आपको समझ में आता है कि ओनली अ जस्ट सोसाइटी वुड बी एबल टू कैरी अलोंग एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. This was John Rawls' theory of justice. बड़ी सिंपल है. Wheel of ignorance याद रखिएगा. Wheel of ignorance में आपको ये सोचना है कि आप कैसे भी पैदा हो सकते हैं, आपको सोसाइटी में अपनी पोजिशन नहीं पता. ऐसा सोचते हुए अगर आप पॉलिसीज बनाएंगे तो कैसी बनाएंगे, ऑब्वियसली आप ये सोच के बनाएंगे कि अगर मैं वर्स ऑफ भी हूँ तो भी क्या मैं एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अफोर्ड कर पाऊंगा, एंड देन यू विल क्रिएट अ जस्ट सोसाइटी. नाउ हाउ डू वी परस्यू दिस सोशल जस्टिस. ऑब्वियसली सोशल जस्टिस का ये मतलब नहीं है कि एक देश में सारे लोग पूरी तरीके से इक्वल हैं या उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है या फिर रिच और पुअर एग्जिस्ट ही नहीं करते. बट प्रॉब्लम तब आती है जब अमीर और गरीब का जो दुनिया है वो बिल्कुल अलग है. एज आई सेड, द पीपल आर नॉट एबल टू इवन अफोर्ड टू मील्स अ डे एंड समबडी इज लिविंग इन लग्जरी अपार्टमेंट्स, या फिर पीपल आर नॉट इवन हैविंग द अपॉर्चुनिटी टू ग्रो, यानी आपके पास ये चांस भी नहीं है कि आप ऊपर उठ सके बिकॉज आपके मिनिमम बेसिक नीड्स भी प्रोवाइड नहीं किए गए हैं, या आपके टैलेंट्स को डेवलप करने का आपको मौका नहीं मिल रहा, या फिर आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही. अब देखिए यहाँ पर स्टेट का काम आ जाता है कि इन बेसिक मिनिमम कंडीशंस को लोगों तक पहुँचाया जाए. अब क्या हो सकती हैं बेसिक लिविंग कंडीशंस? डू यू हैव गुड फूड टू ईट? डू यू हैव अ गुड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर? थिंक ऑफ इट लाइक अ ब्यूरोक्रेट ऑल्सो, बिकॉज अल्टीमेटली आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यू विल एंड अप बीइंग अ ब्यूरोक्रेट. So you would be a part of the state, right? Housing facilities मिल रही है क्या? Supply of clean drinking water है क्या? क्या सबके पास education है? क्या minimum wages available है? क्या आप एक ऐसी society बना पा रहे हैं जहाँ ये सारी basic conditions fulfill हो रही हैं? ये एक democratic government की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि इन basic conditions को लोगों तक पहुँचाए. Now obviously इसको लेकर बहुत debate चलता है कि कैसे हम social justice लेकर आए. दो मेजर तरीकों पे डिबेट रहता है, एक है ओपन मार्केट और एक है स्टेट इंटरवेंशन. इसको ऐसे समझिएगा, ओपन मार्केट में जो बिलीव करते हैं, ओपन मार्केट का यहाँ पर मतलब है कि देयर शुड बी फ्री मार्केट, देयर शुड बी कंप्लीट कंपटीशन. आप सबके लिए एनवायरनमेंट क्रिएट कर दीजिए एंड लेट एवरीबडी कम्पीट एंड फाइट. जो भी सबसे बेहतर परफॉर्म करेगा वो मार्केट में सर्वाइव करेगा, वो मार्केट में पैसा कमा पाएगा एंड दैट पर्सन वुड बी गुड इनफ. तो स्टेट इंटरवेंशन का इसमें क्या रोल है? स्टेट को कुछ नहीं करना, स्टेट को बस एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन कर देनी है. उसके अलावा लेट पीपल फ्लरिश ऑन देयर ओन, मार्केट अपने आप सारा रीडिस्ट्रीब्यूशन कर देगा. अब स्टेट इंटरवेंशन में हम क्या बिलीव करते हैं कि नहीं, ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो लोगों की लाइफ में इस तरह से इंटरवीन करें कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ हो सके. अब दोनों ही आर्ग्यूमेंट्स को एक बार समझ लेते हैं. फ्री मार्केट में मैंने आपसे क्या बताया, मार्केट को आप लोगों को फ्री छोड़ दो एंड लेट देम फाइट. लेट देम फाइट इन द सेंस लेट देम कम्पीट, लेट देम कम्पीट विद ईच अदर, बिकॉज मार्केट पूरा जस्टिस करते हैं. अगर आप में टैलेंट है, अगर आप मेरिटोरियस हैं तो आपको मार्केट रिवॉर्ड करेगा. अगर आप लेजी हैं, अगर आप अपना बेस्ट नहीं दे रहे तो आपको या तो अवार्ड मिलेगा ही नहीं या कम मिलेगा, राइट? वट एवर आउट, जो भी मार्केट में आउटकम है वही जस्ट है, दैट इज वॉट यू डिजर्व.
states would step up, but only to, you know, kind of give basic minimum standard of living so that wo equal terms pe jo hai fight kar sake. But what would be those basic services? तो जो फ्री मार्केट वाले हैं वो कहते हैं हेल्थ केयर, एजुकेशन, ऐसी सर्विसेज को भी अगर आप चाहते हैं कि वो बेस्ट तरह से डेवलप करें तो वो आप प्राइवेट एजेंसीज को दे दें. दूसरी तरफ ये दूसरी तरह से आप ऐसे कह सकते हैं कि जो मार्केट फ्री मार्केट के फेवर में है, दे टॉक अबाउट प्राइवेटाइजेशन, कि ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज किसको दे देनी चाहिए, दे शुड बी विद द प्राइवेट एजेंसीज. नाउ स्टेट को इसमें कुछ नहीं करना होगा, स्टेट कैन जस्ट यू नो मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड बी हैप्पी. सी framework of laws and regulation to ensure that competition between individual remains free of coercion. ladai jhagda na ho, zabardasti na ho, obstacles na ho, free competition ho paaye, ye aapko ensure karna hai. uske baad you can sit back and relax because market neutral hai. market jaat paat nahi dekhta, market religion nahi dekhta, market gender nahi dekhta, aur isliye agar aap mein merit hogi aap survive karenge, warna aap perish kar jayenge. ऑल्सो जो फ्री मार्केट के प्रोपोनेंट्स हैं वो कहते हैं कि मार्केट कॉम्पिटिशन अगर आप लाते हो तो कंज्यूमर के पास भी ज़्यादा चॉइसेस आती हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली राइट. आज आपके पास शैम्पू की 800 वेराइटीज़ और प्लस वेराइटीज़ अवेलेबल हैं सिंपली बिकॉज एवरीबडी इज़ फ्री टू मेक शैम्पूज, राइट. बट यहाँ पर अगर हम बात करें बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज की, तो क्या ये सोचना कि बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज प्राइवेट एजुकेशन है आज आपके पास, आप दिल्ली में अगर रहते हैं तो यू वुड हैव 500 डिफरेंट स्कूल्स. बट अगर गवर्नमेंट स्कूल्स को बंद कर दिया जाता तो कौन सा प्राइवेट स्कूल जाकर एक छोटे गांव कस्बे में स्कूल खोलता, आप मुझे बताइए. दे वोंट डू इट बिकॉज उसमें प्रॉफिट नहीं है और इसमें कुछ गलत नहीं है, बट अ प्राइवेट स्कूल वुड वर्क फॉर प्रॉफिट, सो वुड दे गो एंड ओपन अप अ स्कूल इन अ रूरल एरिया. इसलिए एजुकेशन में गवर्नमेंट का होना जरूरी है. इस सिचुएशन में गवर्नमेंट वुड हैव टू स्टेप इन एंड इंश्योर कि गवर्नमेंट स्कूल उस गाँव में भी अवेलेबल है. थिंक अबाउट इट. देन अगर हम क्वालिटी ऑफ सर्विस की बात करें तो जो फ्री मार्केट के एडवोकेट्स हैं उनका ये कहना है दैट प्राइवेट हैंड्स विल बी एबल टू गिव बेटर क्वालिटी बिकॉज दे लुक फॉर प्रॉफिटेबिलिटी. अगर आप वो अपना बेस्ट नहीं देंगे तो लोग उनसे खरीदना छोड़ देंगे, तो दे वुड ट्राई देयर बेस्ट टू यू नो गिव द बेस्ट ऑफ क्वालिटी. बट यहाँ पर बात करेंगे कॉस्ट की, कि ओके दे माइट गिव बेस्ट ऑफ क्वालिटी, दे माइट बी गिविंग वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, बट विल द पुअर बी एबल टू अफोर्ड दिस एजुकेशन? क्या उसके पास जो दो वक्त का खाना नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं वो इस एजुकेशन को अफोर्ड कर पाएंगे? इसीलिए सम मैटर्स में स्टेट हैव टू इंटरफेयर. सो व्हाइल फ्री मार्केट्स माइट बी यू नो गिविंग अ लॉट ऑफ चॉइसेस, दे माइट बी यू नो गिविंग बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, इसीलिए बहुत सारे लोग आर्ग्यू करते हैं कि जो सोशल जस्टिस है वो तब तक नहीं मिल सकता जब तक स्टेट इंटरवेंशन ना हो. Why? Because unless state intervenes to give these basic facilities available to everybody, आप उस just society का निर्माण नहीं कर सकते हो जिसकी आपने इस class, इस chapter के starting में कल्पना की थी. See, it's not bad that there are varying opinions. कुछ लोग free market के favor में हैं, कुछ लोग state intervention के favor में हैं. देखिए दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हैं, इसीलिए मॉडर्न सोसाइटी में आप दोनों ही को एग्जिस्ट करते हुए पाते हैं. कुछ स्फीयर्स में यू हैव फ्री मार्केट कॉम्पिटिशन बट एट द सेम टाइम यू हैव गवर्नमेंट इंटरवीनिंग इन सर्टेन आस्पेक्ट्स. कुछ चीज़ें इंडिया में भी अभी भी स्टेट की मोनोपोली हैं, कहीं कहीं हम को एग्जिस्ट भी करते हैं. तो यू हैव प्राइवेट स्कूल्स गवर्नमेंट स्कूल, यू हैव प्राइवेट हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स. ऑब्वियसली वी नीड टू डिबेट ओवर देयर क्वालिटी, वी नीड टू डिबेट ओवर देयर सर्विसेज, बट वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज देर इज अ ब्लेंड ऑफ फ्री मार्केट एज वेल एज स्टेट इंटरवेंशन, दोनों ही चलते हैं और एक जस्ट सोसाइटी के निर्माण का प्रोसेस है. बिकॉज रिमेंबर आई टोल्ड यू एवरीथिंग इन पॉलिटी इज एक्चुअली अ ऑनगोइंग प्रोसेस. और ये जो डिबेट है ये बुरी नहीं है, देयर इज नथिंग बैड अबाउट इट, बिकॉज रिमेंबर पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट नेगोसिएशन. डिसएग्रीमेंट्स होंगे, नेगोसिएशंस होंगे एंड वील बी एबल टू हैव सर्टन कंक्लूजन्स ताकि हम अपने गोल को अचीव कर पाएं और ये जो इनइक्वालिटीज हैं इसे रिड्यूस कर पाए. सो दिस वॉज द चैप्टर ऑन सोशल जस्टिस. रिमेंबर जॉन रॉल्स की थियोरी याद रखिएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के थ्री आस्पेक्ट्स याद रखिएगा, इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली, रिमेंबर प्रोपोर्शनल जस्टिस का कॉन्सेप्ट जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, एंड रिकॉग्नाइजिंग स्पेशल नीड्स. सो आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया, आई होप यू आर एंजॉइंग दिस सीरीज. ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर.